22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए। असंख्य राम भक्त रोजाना रामलला का दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का दर्शन करना हो तो सबसे पहले कोतवाल के रूप में विराजमान हनुमान जी का दर्शन पूजन करना चाहिए और उन्हीं से ही आज्ञा लेकर के हम आगे की यात्रा तय करते हैं। और इन सबको आज बात को जानने के लिए हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी पर, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि हनुमानगढ़ी जो न जाने कई वर्षों से इसका इतिहास रहा है, हर राम भक्त आता है, दर्शन पूजन करता है, माथा टेकता है और मन की मुरादें लेकर के आता है और हर चीज़ जो सिद्ध भी होती है पूरी भी होती है। तो क्या है हनुमानगढ़ी का इतिहास, हम जानते हैं राजू दास जी से। महाराज जी, अयोध्या का इतिहास तो रहा है, साथ ही साथ हनुमानगढ़ी का क्या इतिहास है? कई वर्षों से असंख्य राम भक्त आते हैं और अब तो प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, भगवान रामलला विराजमान भी हो गए, क्या है हनुमानगढ़ी का इतिहास? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरत हनुमत बलबीरा। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है। कहा गया है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत नाज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लेह तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को रणा। हनुमान जी महाराज का यहाँ राज्याभिषेक हुआ है, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे देखेंगे आप तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरण में आपको बैठे मिलेंगे। लेकिन जब यहाँ आप दर्शन करेंगे तो यहाँ जब दर्शन करेंगे तो यहाँ हनुमान जी महाराज चरण में नहीं, आगे राजा के भांति बैठे हैं और पीछे राम दरबार है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया और श्री हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक किया है। इसलिए किया क्योंकि जगत जननी जगदम्बा माँ सीता जब लंका में थी उस समय में पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा था तो श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे थे। जब श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे तो जगत जननी माँ जगदम्बा का जब उन्होंने दर्शन किया, जब परिचय दिया तो उन्होंने परिचय में यह कहा, राम दूत माँ तो जानकी सत्य सपत करुणा निधान की, हे माता जानकी मैं राम का दूत हूँ। माँ को लगा इतना प्रिय इतना प्यारा स्वामी भक्त। पुनः जब वह लंका में अशोक वाटिका उजारने के बाद, रावण के बेटे के संहार करने के बाद, रावण का मान मर्दन करने के बाद लंका स्वर्णमय लंका को भस्म किया। आप सब समझो सोना जलने के बाद निखरता है, तपता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है सोने का तपाने के बाद। लेकिन आप समझो लंका सोने की थी वो भस्म हो गई, इसलिए क्योंकि रावण महापापी था, पाप के उसमें लंका स्वर्ण में लंका भस्म हो गया। पुनः जब वो वापस आते हैं तो माता सीता जी उनको आशीर्वाद देते हैं, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का अमृत कर पुत्रवृत आशीर्वाद जगत जननी माँ जगदम्बा सीता जी ने श्री हनुमान जी महाराज को दिया। हनुमान जी महाराज अयोध्या लंका विजय प्राप्ति के बाद प्रभु जब आते हैं, जब पुनः साकेत धाम को जाना होता है तो माँ के चेहरे पर जब उन्होंने मलिनता देखी तो प्रभु ने पूछा, हे देवी चलने का इरादा नहीं है क्या? तो माँ कही कि हाँ प्रभु चलने का इरादा तो है, लेकिन सुना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन यहाँ पर तो हमारी वचन मिथ्या होते हुए दिख रहा है। बोले ऐसी क्या बात है? बोले हनुमान मेरा मानस पुत्र है तो हनुमान का राज्याभिषेक होना चाहिए, आप तो लव और कुश को कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के मन में पहले से ही भाव था कि हनुमान का राज्याभिषेक हो, लेकिन प्रभु खुद में शर्मा रहे थे कि जनक नंदनी ये ना सोचें कि अपने शिष्य को राजा बना रहे हैं अपने बेटे को छोड़कर। लेकिन माँ ने जब कह दिया तो माँ को उन्होंने तथास्तु बोला और हनुमान जी महाराज यहाँ राज्याभिषेक हो। यहाँ लाखों राम भक्त रोज आते हैं, लाखों राम भक्तों की मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। हर व्यक्ति कोई पान कोई फूल कोई पत्ती कोई सिंदूर कोई तेल कोई लड्डू लेकर आता है, दर्शन पूजन करता है, कोई खाली हाथ भी आता है दर्शन पूजन करता है और सबकी मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। रोज लाखों राम भक्त जब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण इतने वर्षों के लड़ाई त्याग संघर्ष करने के बाद हुआ है, तब से यह संख्या सीधे 5 गुनी बढ़ गई है और लगातार ये संख्या बढ़ ही रही है। और हम लोग रामानंद संप्रदाय से आते हैं, वैरागी संत हैं, निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत ये मुख्य बैठक है। यहाँ पर 4 पट्टी में यह व्यवस्था विभक्त है, उज्जैनिया बसंतिया हरिद्वारी सागरिया के 4 प्रमुख महंत हैं, इनके ऊपर एक गद्दीनशीन होते हैं जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति,
यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था बहुत सुंदर है, ढांचागत व्यवस्था यहाँ की बहुत ही प्राचीनतम है और यहाँ की व्यवस्था कोर्ट के द्वारा भी सर्वमान्य है। यहाँ 1000 से ऊपर संत हनुमान जी की सेवा में लगातार निरंतर समर्पित भाव से रहते हैं। हनुमान जी अजर और अमर हैं, सदैव इनका यहाँ पर वास है। लाखों राम भक्तों की मनोकामना को श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं और हनुमान जी, जैसे आपने कहा कि हनुमान जी कोतवाल के रूप में भी कार्य और काम करते हैं। कई ऐसी व्यवस्थाएं को हनुमान जी ने ठीक किया, जैसे बम धमाका, कुकर प्रेशर बम, श्री राम जन्मभूमि पर ग्रेनेड हमला, रेलवे स्टेशन का बम, हनुमानगढ़ी के पास के बम, कोई हताहत नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि आपने कहा अभी हमारे बोलने से पहले कि हनुमान जी कोतवाल के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए क्योंकि राजा हैं तो राजा का काम है प्रजा की रक्षा सुरक्षा, अयोध्यावासी की रक्षा और सुरक्षा। इसके नाते हनुमान जी निरंतर अयोध्या के प्रति, अयोध्यावासी के प्रति खूब 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 हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। और हम लोग यहाँ पर नागा संत हैं, सारी व्यवस्था में हम लोग लगे रहते हैं। जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, लाखों राम भक्तों की इजाफा हुआ है और पहले राम जी से पहले हनुमान जी से ज़रूर मिला जाता है, क्योंकि हनुमान जी कोतवाल हैं, हनुमान जी राजा हैं, हनुमान जी से मिलने के बाद ही आप राम जी तक पहुंच सकते हैं, तभी आपको फल मिलता है, तभी ठाकुर जी की आशीर्वाद मिलता है। इसके नाते हर व्यक्ति पहले श्री हनुमान जी महाराज का पहले दर्शन और पूजन करता है, उसके बाद राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन करता है। महाराज जी, आपने कहा कि हनुमान जी अमर के रूप में विराजमान हैं, माता जानकी उनको आशीर्वाद भी दिया था, तो यही वजह है कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक दूसरे दिन प्रभु ने दर्शन करने पहुंच गए और मूर्ति बनने तक की वो रोजाना जाते थे, दर्शन करने जाते थे और देखते थे फिर चले आते थे। वहाँ से आने के बाद जब विराजमान हुए मंदिर में तो दर्शन करने पहुँच गए। तो ये माना जाए कि आज भी हनुमान जी ये कहें कि चाहे जानवर के रूप में, चाहे बंदर के रूप में, चाहे इंसान के रूप में, आज भी अयोध्या में हैं। हाँ, हनुमान जी, अब मैंने बताया ना, हनुमान जी अजर और अमर हैं। जैसे आज आप हमारी बाइट लेने के लिए आए हैं और घर आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस के बाद घर जाना मजबूरी होगी, आज नहीं कल जाओगे, कल नहीं परसों जाओगे, जाना तो पड़ेगा घर। इसके नाते यहाँ हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है और हनुमान जी अजर और अमर हैं, सदैव यहाँ पर इनका वास है, तो यहाँ तो रहते ही हैं। एक नहीं अनेक ऐसे घटना हम लोग ने प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज को देखा है, आपने कहा राम जन्मभूमि पर, भाई स्वाभाविक है, सबसे ज़्यादा किसी को प्रसन्नता है तो श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता है। अपना तो खुद इतनी ज़बरदस्त किला में रहते थे और जे जिनकी नाम के गुणगान करते थे वो टेंट में रहते थे, तो सबसे ज़्यादा पीड़ा तो श्री हनुमान जी महाराज को ही था। और जब इतना नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता श्री हनुमान जी महाराज को हुआ। इसके नाते बंदर के ही रूप में, क्योंकि बंदर हनुमान जी का रूप ही है, तो बंदर के रूप में तो उसमें प्रत्यक्ष तो है ही है, भाई बंदर का ही रूप तो श्री हनुमान जी महाराज का है। तो जब वह जाना, अवलोकन करना, जब मूर्ति उसने बोला मूर्तिकार ने कि डेली आते थे देखने के लिए हनुमान जी, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद घर से वह पहुंचे हनुमान जी महाराज, तो मेरे अंदर इतना दुर्गुण है, इतना क्लेश है, द्वेष है, मेरे मन में फलाने नाश हो जाए, फलाने ऐसा हो जाए, मुझको ये मिल जाए, तो देखो निर्मल मन में ही परमात्मा आते हैं और निर्मल मन में ही कोई दिव्य शक्तियां ही वास कर सकती है। तो मेरा मन काया इतना पवित्र तो है नहीं, तो आप देखो प्रत्यक्ष आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा कि हाँ बंदर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे। तो श्री हनुमान जी महाराज अभी भी ठाकुर जी की वो मंदिर देखने के लिए पहुंचा करते थे। कई मिस्त्री से भी बात हुई, अक्सर हनुमान जी महाराज गर्भगृह में पहुंच जाते थे, अक्सर, एक नहीं अक्सर, अक्सर जाना ही जाना श्री हनुमान जी महाराज का होता था। इतनी मतलब 5000 वहाँ पर मजूर, मिस्त्री, इंजीनियर के होने के बावजूद भी एन केन प्रकारेण श्री हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँचते ही पहुँचते थे। तो इसके नाते अभी भी हनुमान जी अजर और अमर हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, हनुमान जी पहुँचते हैं। तो ये थे हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी, जिनका साफ कहना है कि आज भी हनुमान जी अयोध्या में अजर अमर के रूप में विराजमान हैं और साथ ही साथ रोजाना लाखों भक्त अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं। तो उन्होंने अपील भी की है कि सबसे पहले कोतवाल के रूप में विराजमान हनुमान जी का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन करें। अयोध्या सेनकट के लिए रिष्ट गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।